एवरीवन, वेलकम टू पवन भाग एकेडमी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो एनिमल किंगडम है, जो पूरा एनिमल है, उसको हमने दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में मेनली डिवाइड किया था। पहला था हम लोगों का नॉन कॉर्डेट्स और सेकेंड था हम लोगों का कॉर्डेट्स। दो ग्रुप थे एनिमल के। अब इसमें डिफरेंस क्या बताया था मैंने आप लोगों को? डिफरेंस बताया था कि कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस नहीं होती। यही डिफरेंस बताया था। और नोटोकॉर्ड का मीनिंग भी आपको मैं बता चुकी थी। नोटोकॉर्ड इज अ रॉड लाइक और हॉलो स्ट्रक्चर, रॉड हॉलो स्ट्रक्चर विच डज नॉट इंक्लूड वर्टिब्रेट कॉलम। अगर इसमें वर्टिब्रल कॉलम होता तो हम कह देते ये पूरी तरीके से कंप्लीट स्पाइनल कॉर्ड है। बट नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक अ स्पाइनल कॉर्ड, बट डज नॉट इंक्लूड वर्टिब्रल कॉलम, सो इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट स्पाइनल कॉर्ड को हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड। तो कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस होती है, नॉन कॉर्डेट्स में नहीं होती। यही डिफरेंस बताया था। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर नॉन कॉर्डेट्स के कैरेक्टर्स के बारे में कि नॉन कॉर्डेट्स में जितने भी एनिमल्स आते हैं उनकी बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहला पॉइंट, बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती, जस्ट अभी बताया। सेकेंड पॉइंट है, फेरिग्नल गिल स्लिट्स आर प्रेजेंट। देखिए गिल्स तो सभी लोगों को पता है, जो एक फिशेस में उसके रेस्पिरेशन प्रोसेस के लिए स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है। नाउ व्हाट इज फेरिग्नल गिल स्लिट्स? एक्चुअली मैं मेनली होता क्या है कि जो फिशेस में जो गिल्स होती हैं, लाइक दैट मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया है, मेनली इसमें एक ओपनिंग होती है गिल्स में, जिसमें जो वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है, राइट? लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें जो ओपनिंग होती है गिल्स में वो एक से ज्यादा होती है, और इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं स्लिट्स। इस ओपनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिट्स बोलते हैं, जो कि गिल्स में एक से ज्यादा होती है। तो ऐसे एनिमल्स में जो गिल्स प्रेजेंट रहेंगी जिसमें एक से ज्यादा ओपनिंग है उसे हम बोलते हैं फेरिग्नल गिल स्लिट्स। लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में ये स्लिट्स या गिल स्लिट्स एब्सेंट होती है। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, इट इज ऑन वेंट्रल साइड। जो नर्व कॉर्ड होती है ये प्रेजेंट है, अगर अदरवाइज किसी किसी नहीं होती ऑर्गेनिज्म में। इफ नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट, इट इज ऑन वेंट्रल साइड होती है एरिया नियर टू स्टोमक। वेंट्रल साइड का मतलब स्टोमक के जस्ट अबव जो नियरेस्ट एरिया होता है उसे बोलते हैं वेंट्रल साइड। तो नर्व कॉर्ड अगर प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट होगी? वेंट्रल यानी कि स्टोमक के जस्ट आसपास एरिया में। इट इज सॉलिड एंड पेयर्ड। पहली बात कि जो नर्व कॉर्ड है पेयर्ड में रहेगी, नेक्स्ट सॉलिड होगी। देखिए अब देखिए, जो हमारी नर्व कॉर्ड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। हम कहीं भी मूवमेंट करें अपने हैंड्स और लेग्स में, मूवमेंट होगा फ्लेक्सिबल, बट इट कांट बी मूव, इट इज सॉलिड। ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शो कर सकती। इफ हार्ट इज प्रेजेंट, इट इज ऑन डॉर्सल साइड। अब डॉर्सल साइड का मतलब होता है बैक साइड, ये जो बैक होती है ना, दिस वन पीछे बैक, दिस वन कॉल्ड डॉर्सल साइड। अगर नॉन कॉर्डियस ऑर्गेनिज्म में हार्ट प्रेजेंट है तो कौन सी साइड में होगा? बैक साइड में होगा। हमारे कहाँ प्रेजेंट रहता है? फ्रंट में, चेस्ट में। नॉन कॉर्डेट्स आर क्लासिफाइड एंड डिवाइड इनटू 10 फाइला। अब नॉन कॉर्डेट्स क्या था? यहाँ पर हमारा मेन ग्रुप था ना, मेन ग्रुप था। जब इस मेन ग्रुप को हम लोग पढ़ेंगे तो इसको सब ग्रुप में डिवाइड करके पढ़ते हैं। नॉन ग्रुप, नॉन कॉर्डेट्स के भी सब ग्रुप्स हैं, और उस सब ग्रुप्स को हम बोलते हैं फाइला या फाइलम। कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइला, ना व्हाट इज फाइला। फाइला इज द सब ग्रुप ऑफ नॉन कॉर्डेट्स। कितने सब ग्रुप्स होते हैं नॉन कॉर्डेट्स के? 10। प्रोटोजोआ, पॉरीफेरा, कॉलेंटेरेटा, स्नाइड्रिया, प्लैटीहेल्मिंथेस, एल्किप्टिस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉल्यूस्का, एक्टिनोडर्मेटा एंड हेमीकॉर्डेटा। ये 10 फाइलम है या सब ग्रुप्स है नॉन कॉर्डेट्स के, जो हमें अपने पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं।
इसके बाद आता है यहाँ पर हमारा कॉर्डेट्स वाला। दो ग्रुप मेन थे, एक तो नॉन कॉर्डेट्स था, एक कॉर्डेट्स है। अब देख लेते हैं कि कॉर्डेट्स ग्रुप में कौन से एनिमल हैं जिनमें क्या क्या कैरेक्टर प्रेजेंट होंगे। बॉडी सपोर्टेड बाय नोटोकॉर्ड, बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, राइट। फेरिंगल गिल्सलेट्स और लंग्स आर प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। अगर एक्वेटिक एनिमल है तो गिल्सलेट्स प्रेजेंट होंगे, अगर एक्वेटिक नहीं है तो लंग्स प्रेजेंट होंगे रेस्पिरेशन के लिए। नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी, और जो उसकी नर्व कॉर्ड होगी कॉर्डेट्स एनिमल की डॉर्सल यानी कि बैक साइड में प्रेजेंट होगी लेकिन हॉलो होगी। हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी, और इसका जो हार्ट प्रेजेंट होगा वो वेंट्रल यानी कि स्टोमक के आसपास एरिया में, जैसे हम लोगों का प्रेजेंट रहता है लिवर और स्टोमक के जस्ट बीच वाले एरिया में, सो दिस इज वेंट्रल साइड। नोटोकॉर्ड की यहाँ डेफिनेशन भी लिखी हुई है, अगर स्टिल अगर किसी को डाउट हो रहा है नहीं समझ में आया तो अगेन मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक इज सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डॉर्सल साइड ऑफ द एनिमल बॉडी। नोटोकॉर्ड क्या है? एक लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है जो एनिमल के बैक साइड डॉर्सल साइड में प्रेजेंट रहता है। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी। और नोटोकॉर्ड क्या करते हैं यानी कि जो एक लॉन्ग रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का जितने भी नर्व टिश्यूज हैं सब इससे कनेक्ट रहते हैं और जो भी मटेरियल या फिर इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज है वो इसी नर्व टिश्यू के होता है। जैसे हमारी है, हमारे में स्पाइनल कॉर्ड है, नोटोकॉर्ड हम इसलिए कह रहे हैं नोटोकॉर्ड भी हमारी वो स्पाइनल कॉर्ड है, लेकिन हमने उसे नोटोकॉर्ड क्यों बोला? क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं थे, लेकिन हमारे ह्यूमन बींग्स में तो वर्टिब्रल कॉलम है जिसे हम पूरी तरीके से स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, जिससे हमारी सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स कनेक्टेड रहती हैं और जो भी मटेरियल का या फिर जो भी इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज होना है हमारे उस नर्व और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू हो जाता है, सेम एज इट इज नोटोकॉर्ड में भी। अब यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर एग्जांपल भी दिखाया हुआ है एक फिश ऑर्गेनिज्म का। जैसे ये माउथ है, ये इसमें बैक साइड में नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है, ये बीच में नोटोकॉर्ड हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, गिल स्लिट दिख रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा ओपनिंग है, दिस वन एनस है लास्ट पॉइंट, ये टेल इसकी प्रेजेंट है, ये मसल्स प्रेजेंट है इसके, और ये जो नोटोकॉर्ड है ये पूरे फिश का एग्जाम्पल जो कि कॉर्डेट में हमारी इंक्लूड होती है। Now all chordates animals are grouped together in a single phylum and the name of the phylum is same. अब अभी आपने क्या देखा था कि जो हमारे non chordates है ना उनको कितने phylum में divide किया गया था यानी कि कितने subgroups में divide किया, 10 subgroups में divide किया था, लेकिन chordates में कोई भी subgroups नहीं इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। chordates का सिर्फ एक ही subgroup होता है जिसका नाम है यहाँ पर फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि एक ही फाइलम है। नॉन कॉर्डेट्स में 10 फाइलम थे और हमारे कॉर्डेट्स में सिर्फ एक ही फाइलम है। अब ये जो हमारा फाइलम कॉर्डेटा है ना, ये तीन और पार्ट्स में डिवाइडेड है, यूरोकॉर्डेटा, सेफलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। सब फाइलम वर्टिब्रेटा हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। और जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, पढ़ते हैं ना वर्टिब्रेट्स के बारे में, वर्टिब्रेट्स में भी हमारे एनिमल्स की 6 कैटेगरीज होती है, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइलिया, एविस एंड मैमेलिया। दोनों में देखिए मैं डायग्राम के थ्रू भी आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले क्या था यहाँ पर स्टूडेंट, मैं थोड़ा 5 मिनट लेना चाहूंगी। देखिए स्टूडेंट, मैंने इसको अपनी लास्ट वीडियो में भी काफी बार आप लोगों को बताया है, आगे भी बताती रहूंगी कि जब कभी भी आप बायो पढ़ते हैं और बायो में आपका एग्जाम में कुछ भी आपको क्वेश्चन पूछा है पैराग्राफ में, चाहे एनी, आप डायग्राम से जरूर रिप्रेजेंट करिए। देखिए पैराग्राफ लिखिए, पैराग्राफ इज मस्ट, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे ना बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। टीचर पैराग्राफ को नहीं चाहता बायोलॉजी में, बायोलॉजी का टीचर ना वो ये चाहता है कि बच्चा किस तरीके से अपनी चीजों को या फिर अपने एनवायरमेंट को कैसे डायग्राम में रिप्रेजेंट कर सकता है, क्योंकि पूरी बायोलॉजी हमारे डायग्राम पे बेस्ड होती है। सभी लोगों को पता ही होगा डायग्राम नहीं देखा तो कुछ समझ नहीं आएगा।
अभी आपको पता है ह्यूमन बींग्स ऐसे हैं, यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट है या चेस्ट है या लेग्स लेग्स है या ब्रेन है, कैसे पता है? डायग्राम पढ़ा ना हमने, डायग्राम को समझा। तो मेन बायोलॉजी का टीचर पैराग्राफ लिखिए और पता किया ये इसको, बट मेन डायग्राम जरूर पे रिप्रेजेंट करना। तो अभी हमने क्या देखा था यहाँ पर कि हमारा एनिमल था, पूरा एनिमल ग्रुप था, उस एनिमल को हमने, एनिमल जो किंगडम है उसको कितने ग्रुप में डिवाइड किया था, दो ग्रुप में, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स में। नॉन कॉर्डेट्स को अगेन उसके सब ग्रुप्स में डिवाइड किया था, जिसे हम फाइलम बोलते हैं। कितने फाइलम थे? 10। प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सनाइड्रिया, प्लैटिहेल्मिंथेस, एस्किल्मिंथेस, एनलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एक्नोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। अब यहाँ पर जो हमारा किंगडम कॉर्डेट्स है, यानी कि जो हमारा मेन ग्रुप है कॉर्डेट्स, उसमें हमारा कितने फाइलम थे? सिर्फ एक ही फाइलम, कॉर्डेटा। अब फाइलम कॉर्डेटा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 3, यूरोकॉर्डेटा, सेफालोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। एंड स्टिल वर्टिब्रेट्स में हम कितनी कैटेगरीज पढ़ते हैं एनिमल्स की? 6, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एविस एंड मैमलिया। ये पूरा आपको जो एक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है वो आपको अच्छे से अब आपको आ गया होगा। आई डोंट थिंक कि आप कोई डाउट रहा होगा, डायग्राम समझ लिया तो पूरा पैराग्राफ समझ लिया। Now this system of animal classification was in practice till now. ये जो animal classification का पूरा system, जो कि बहुत history हमारे past से चलता आ रहा है, आज के timing पर भी हम लोग इसको practice करते हैं। कोई भी new animal के बारे में हमें पता चलता है तो हम लोग क्या है, पहले उसका identification करते हैं, उसके बारे में habitat, nutrition के बारे में जानते हैं और फिर उसको उसके group के according divide कर देते हैं, करते नहीं करते। However, nowadays new system of classification is followed. लेकिन आज के टाइमिंग पर हमारे जो क्लासिफिकेशन जो बहुत पास्ट से चलता आ रहा है, उसमें बहुत सारे न्यू चेंजेस हो गए हैं और इन्हीं न्यू चेंजेस को हमें अपने इस पूरे चैप्टर में ब्रीफ में पढ़ना है। At present, according to the five kingdom classification system of Robert Whittaker, Robert Whittaker ने जो क्लासिफिकेशन दिया था, five kingdom classification दिया था, All multicellular animals are included in kingdom Animalia. उन्होंने कहा था, देखिए जो हमारे classification होता है ना, वो five kingdom में है। लेकिन Robert Whittaker ने किया था, लेकिन Robert Whittaker ने एक और बात कही कि हमारे जितने भी multicellular animals हैं, वो कौन से kingdom में आते हैं? Animalia kingdom में आते हैं। And this system, ये जो Animalia kingdom को इन्होंने classify किया, ऑर्गेनिज के किस क्राइटेरिया के बेसिस पर किया था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, किसी की बॉडी छोटी, किसी की बॉडी बड़ी, लाइक दैट। बॉडी सिमेट्री का मतलब है कि उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है किस तरीके से, जैसे हम तो 2 legs पे चलते हैं, बहुत सारे एनिमल्स तो भाई आपने 4 legs भी चलते हैं ना, बॉडी सिमेट्री कैसी है। बॉडी कैविटी, जैसे ह्यूमन बींग्स में दो बॉडी कैविटी होती है, एक होती है चेस्ट कैविटी, एक होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी, तो अदर ऑर्गेनिज्म में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा। जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनिज की बॉडी पर कितनी लेयर प्रेजेंट है प्रोटेक्शन के लिए, जैसे हमारी स्किन है, स्किन के अंदर और बहुत सारी टिश्यूज और बहुत सारी लेयर्स होंगे हमारी स्किन को प्रोटेक्ट, हमारी पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो किसी ऑर्गेनिज में कितनी लेयर्स प्रेजेंट है। सेगमेंटेशन, कि किसी की बॉडी में कितने जॉइंट्स प्रेजेंट है, जैसे हमारी ऑल ओवर बॉडी में जॉइंट्स ही जॉइंट्स है, अदर ऑर्गेनिज्म में शायद इतने ना हो, कुछ कम हो, जैसे ज्यादा भी हो किसी में, तो सेगमेंटेशन कि बॉडी कितने जॉइंट्स से मिलके इनका पूरा जॉइंट्स प्रेजेंट है। तो किंगडम एनिमिलिया में जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन करते हैं इस क्राइटेरिया पे करते हैं, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी सिमेट्री, बॉडी कैविटी, जर्मिनल लेयर्स और यहाँ पर सेगमेंटेशन। Now the criteria for new system of classification. अब हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि जो new system classification है यहाँ पर किस criteria के basis पर करते हैं, classification जो करा जा रहा है animals का किस criteria के basis पर करा जा रहा है। पहला criteria आ जाता है यहाँ पर grades of organization. पहला criteria कौन सा है? Grades of organization. बॉडी ऑफ एनिमल्स इज मेडअप ऑफ सेल्स। आप सभी लोगों को पता है कि जो एनिमल्स की बॉडी है बहुत सारे सेल्स से मिलकर बनी होती है। इन केस ऑफ मल्टी सेलर एनिमल्स मैनी सेल्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन इन देयर बॉडी। और जो
बहुत सारे मल्टी सेलर एनिमल्स हैं जिसमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट है। हर एक सेल क्या कर रहा है, अपने अलग अलग फंक्शन कर रहा है। कोई सेल है, सपोज करिए एक बॉडी में 10 बिलियन सेल्स प्रेजेंट है, एक मैंने एक एवरेज ले लिया, तो 10 बिलियन सेल्स क्या एक ही काम कर रहे होंगे, डाइजेशन का, एक्सक्रीशन का? नहीं ना, अपने अलग अलग। कुछ सेल्स होंगे जो डाइजेशन का कर रहे होंगे, कुछ सेल्स होंगे जो कि यहाँ पर एक्सक्रीशन की प्रोसेस कर रहे होंगे, कुछ सेल्स होंगे जो कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे होंगे। तो हर एक सेल क्या करते हैं यहाँ पर, अपना अलग 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 फंक्शन करते हैं। सेकेंड पॉइंट में बोला है, इन केस ऑफ मल्टी सेलर एनिमल्स इफ टिश्यूज आर नॉट फॉर्म देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर किसी मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में टिश्यू की फॉर्मेशन नहीं होती है, टिश्यू कब बनता है, जब सेल्स कॉम्बाइन होते हैं, और जब सेल्स कॉम्बाइन नहीं होंगे तो क्या टिश्यू बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो वहां पर उस एनिमल का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेल्स की उसकी बॉडी में प्रेजेंट होगी, सेल्स ने कॉम्बिनेशन करके टिश्यू बना ही नहीं होंगे। तो वहां टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, टिश्यू का कोई फंक्शन नहीं है, तो सारा फंक्शन कौन कर रहे हैं यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ सेल्स कर रहे हैं। और इसी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलते हैं सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। एग्जाम्पल में आपका फाइलम पोरीफेरा, कि पोरीफेरा फाइलम में यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल ड्यूनो में है, इन यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑल द फंक्शंस ऑफ लाइफ आर परफॉर्म्ड बाय सेम सेल। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल होते हैं, राइट। अब यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल से बना हुआ है, तो उसकी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज या जो भी फंक्शंस होंगे, अकेला सिंगल सेल ही तो करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, सिंगल सेल सारी एक्टिविटी, सारे फंक्शन, सारी प्रोसेसेस को करेगा, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि यहाँ पर मल्टी सेल्स नहीं है फंक्शन करने के लिए, एक ही सेल है, एक ही सेल डाइजेशन भी करेगा, एक ही सेल रेस्पिरेशन भी करेगा, एक ही सेल सारी चीजें करेगा। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है सेलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको डिफरेंट सेल्स दिख रहे हैं, कॉलर सेल, साइकॉन, नॉन लिविंग पार्ट, ऑस्टियम, एपिकुलम, अमीबोसाइट, बहुत सारे सेल्स हैं। इन्होंने कॉम्बिनेशन ही बनाया, इन सारे सेल्स ने मिलकर कॉम्बिनेशन ही बनाया, जो इनका काम है वो अपना पर्टिकुलर कर रहे हैं। एक सेल का काम वो है तो वो करेगा, दूसरे सेल का काम वो है तो वो करेगा, थर्ड सेल का काम थर्ड वाला है तो वो करेगा, क्लियर। इसके बाद हम लोगों का आता है इन केस ऑफ सम एनिमल्स। अब यहाँ पर दूसरा केस ले लेते हैं, कुछ एनिमल्स में होता है कि जो सेल्स हैं टुगेदर आ जाते हैं, कॉम्बिनेशन बना लेते हैं और क्या बन जाते हैं, टिश्यू बन जाते हैं। अब यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म से सेल्स प्रेजेंट थे, सेल से टिश्यू बन गए। अब इस ऑर्गेनिज्म में जितनी भी परफॉर्मेंस होगी, फंक्शंस होंगे, कौन करेंगे, टिश्यू करेंगे। ऐसे एनिमल्स को ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलते हैं सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इस एनिमल्स में ना सिर्फ दो ही ऑर्गेनाइजेशन होंगे, एक सेल का और एक टिश्यू का, टिश्यू आगे ऑर्गेनाइज नहीं होंगे, यानी कि ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, बॉडी नहीं बनेगी, सिंपल सेल, सेल टिश्यू, सिर्फ इतना, आगे ऑर्गन्स नहीं बनेंगे, यानी कि टिश्यू कॉम्बाइन नहीं होंगे। एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका फाइलम सिनेड्रिया, एग्जाम्पल आपका दिया हुआ है यहाँ पे जेलीफिश, आपका सिनेड्रिया का एग्जाम्पल है। जेलीफिश में देखिए माउथ में अपना टिश्यू होगा, इंटेस्टाइन में अपना टिश्यू होगा, गोनेट्स, गोनेट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, बेल में टिश्यू होगा, ट्यूब में टिश्यू है, मसल रिंग में टिश्यू है, टेंटिकल में टिश्यूज है, और इसके ओरल आर्म्स में भी टिश्यूज है। तो यहाँ पर क्या है, सिर्फ इसकी पूरी बॉडी में सेल और टिश्यू प्रेजेंट है, ऑर्गन्स नहीं है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहेंगे हम, सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा फ्लैटवर्म्स का। फ्लैटवर्म्स में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि
जो वॉर्म्स होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, उसमें टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन इसमें कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम नहीं होता। ऑर्गन्स जैसे कि आप लोगों को सीरीज पता ही है, सबसे पहले हमारे सेल होते हैं, सेल कॉम्बाइन होके हमारे टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू कॉम्बाइन होके हमारे ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन कॉम्बाइन होके हमारे ऑर्गन सिस्टम बनाता है, ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी तैयार हो जाती है। यही पूरा सीरीज है। सबसे पहले कौन सा था? सिर्फ और सिर्फ सेल्स प्रेजेंट थे, जैसे हमने बोला सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जब सेल्स कॉम्बाइन हो गए, टिश्यू बन गया, तो टिश्यू हमने क्या, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोला? सेल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पर टिश्यू कॉम्बाइन होके क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे, तो हमने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बोला? टिश्यू ऑर्गन ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यहाँ पर जो ऑर्गन्स हैं वो कंबाइन होके ऑर्गन सिस्टम नहीं बनाएंगे, यानी कि इसमें हाफ ऑर्गन तो प्रेजेंट होंगे लेकिन जो आधे ऑर्गन है वो प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये एक पूरा फ्लैट वॉर्म है, माउथ ऑर्गन है, आई स्पॉट भी ऑर्गन है, नर्व कॉर्ड भी ऑर्गन है, गैंग्लिया ऑर्गन है, फेरिंग्स ऑर्गन है, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी ऑर्गन है, बट इसमें अदर ऑर्गन का है, स्टोमक ऑर्गन है बट नहीं प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो किडनी वाला है वो भी एक ऑर्गन नहीं प्रेजेंट है, हार्ट नहीं दिख रहा ऑर्गन इसमें, लंग्स नहीं दिख रहे। तो यहाँ पे आधे ऑर्गन तो दिख रहे हैं लेकिन आधे ऑर्गन्स नहीं दिख रहे ना यहाँ पर। तो जब तक पूरे ऑर्गन्स नहीं होंगे और जब ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कॉम्बाइनेशन नहीं बनाएंगे, कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, तो क्या कभी वो ऑर्गन सिस्टम बना सकते हैं? कभी नहीं बना सकते। इनका ऑर्गन सिस्टम हमेशा इनकम्प्लीट रहता है क्योंकि इसमें कंप्लीट ऑर्गन्स नहीं बन पाते हैं, और जब तक कंप्लीट ऑर्गन्स नहीं है तो वो ऑर्गन कॉम्बाइन होके ऑर्गन सिस्टम नहीं बना सकते। ये आपका प्लैनेरिया जो कि फ्लैट वॉर्म है, इसका एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी के बारे में बताया है। जो ह्यूमन बीइंग की बॉडी होती है वो पूरी की पूरी हमारी कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होती है। हमारे में सारे के सारे ऑर्गन सेल्स प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के सेल्स प्रेजेंट है, सेल्स टिश्यू बना रहे हैं, टिश्यू ऑर्गन बना रहे हैं, ऑर्गन हमारा ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है ना पूरी बॉडी का। तो हमारी पूरी जो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी होती है ना, एक कंप्लीट बॉडी होती है। यहाँ पर फिलिंग करने के लिए होता है क्योंकि काफी बार एग्जाम में आ चुका है, तो देख लीजिए। सबसे पहले ये पूरा ब्रेन वाला पार्ट है, ये यहाँ पर माउथ वाला पार्ट है, ये लंग्स है, ये हार्ट है, ये लिवर है, ये हमारी यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये मसल्स हैं, दिस वन इज नर्व्स, ये हमारी पैनक्रियाज होती है, ये हमारे लैग्स हैं, एंड दिस वन इज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखा आपने, सेल से मिलके टिश्यू बन गए, टिश्यू से मिलके ऑर्गन बन गए, ऑर्गन से मिलके पूरा ऑर्गन सिस्टम, और ह्यूमन बॉडी एक ऑर्गेनाइजेशन हो गया। बिसाइड्स द फोर टाइप्स ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मेंशन अबव, रिमेनिंग ऑल एनिमल्स शो ऑर्गन सिस्टम ग्रिड ऑर्गेनाइजेशन इन विच डिफरेंट ऑर्गन्स आर जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन सिस्टम दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एग्जाम्पल क्रॉब क्रैब फ्रॉग ह्यूमन। अब यहाँ पर क्या था, हमने जो फोर टाइप्स के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पढ़े ना, एक सेल वाला, टिश्यू वाला, ऑर्गन वाला, तो यहाँ पर और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन वाला, इनके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म बचे हमारे, वो सब के सब हमारे ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। मतलब सेल टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं और एक साथ फंक्शन करते हैं। सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, मतलब एक साथ फंक्शन करते हैं, ऐसा नहीं है कि पहले हार्ट वर्क कर लेगा, लंग्स बाद में करेंगे, या स्टोमक ने पहले कर लिया, एक्सक्रीशन बाद में करेगा, सारे फंक्शन साथ में चलते हैं, लेकिन हर एक ऑर्गन का अपना अलग फंक्शन होगा। लंग्स का काम रेस्पिरेशन का है, ब्रेन का काम मैसेज एक्सचेंज करने का, एंड स्टोमक का डाइजेशन का, किडनी का हमारा एक्सक्रीशन का, सो जितने फंक्शन होते हैं। एग्जाम्पल में क्रैब फ्रॉग और ह्यूमन क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए स्टूडेंट, ये चैप्टर थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लगेगा नहीं एक्चुअली ये है थोड़ा सा, और इसके लिए आपको एक काम क्या करना है कि आपको ना
आपको दोबारा रिवाइज करना है। आपके पास नोट्स बनाइए आप, मैं आपको समझाती जा रही हूँ, साथ में नोट्स बनाते जाइए, डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो चीजें है ना वो बहुत अच्छी होंगी, समझ में आएगा। जो चीज आप एक एट अ मोमेंट नहीं समझ पाते, वो आप जब रिविजन करते हैं ना सेल्फ, वो बिल्कुल डेफिनेटली आ जाती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर का दोबारा से आप रिविजन करिए, दोबारा वीडियो को देखिए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ है। और जब तक ये चीज स्टार्टिंग की चीज नहीं समझ में आएगी, तो हो सकता है कि आगे जो हम लोग फाइल हम पढ़ने वाले हैं उसमें प्रॉब्लम हो जाए। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप लोग साथ के साथ नोट्स बनाइए, पढ़िए, रिविजन करिए, बिकॉज रिविजन इज मस्ट। सो प्लीज करिएगा जो मैंने बोला है, एंड थैंक यू। आई होप आपको आज का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा।